हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाऊं स्मार्ट वॉच। एक ऐसी स्मार्ट वॉच जो आपके मोबाइल की जगह ले सकती है। आप देख सकते हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक स्मार्ट वॉच यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे हटा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी वॉच। उसमें एक बैटरी आती है, बैटरी साइज में पहले से ही लगी हुई है। मैं इसे चालू कर देता हूँ। ठीक है, चालू करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें और क्या मिलता है। इसके बॉक्स के अंदर एक केबल है, चार्जिंग केबल है। ये हमें लास्ट ये मिल जाता है और हमें मैनुअल मिल जाता है। तो बॉक्स की क्वालिटी तो अच्छी है इसकी। तो हम देख लेते हैं वॉच कैसी है। मैं वॉच ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। साइड में रखने के बाद ये वॉच है हमारी, तो वॉच को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, स्टार्ट हो गई है। और पहले हम स्ट्रैप की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। स्ट्रैप क्वालिटी मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी है। आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक इसकी स्ट्रैप क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने ये लॉक दे रखा है। ये लॉक अब मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये इसमें इस लॉक से ना फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। तो आजकल स्मार्ट वॉचेस में स्ट्रैप आती है, लॉक आता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वो खुल भी जाता है और बहुत से लोग हाथ में फिट नहीं हो पाता है। तो हम अभी इसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कैमरा है। आप इससे सेल्फी भी ले सकते हो या फोटो क्लिक कर सकते हो किसी की भी। तो हम इसे स्लाइड करते हैं, हम शुरुआत से दिखा देते हैं। इसको बैक करते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें आपको मेन मेनू मिल जाता है। ठीक है, और कॉल डायल करने का ऑप्शन मिल जाता है, कांटेक्ट मिल जाता है, लिस्ट। इसे आप कर सकते हो, इसमें कांटेक्ट ऐड कर सकते हो। ये इसका डायल मिल जाता है, इससे आप कॉल मिला सकते हो। अभी मैंने सिम नहीं डाली है इसमें। सिम डालने के बाद आपको नेटवर्क शो होता है। नेटवर्क आपका शो यहीं हो जाएगा जैसे मोबाइल में होता है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ भी नहीं है। सिम का आइकन बना हुआ है, क्योंकि मैंने सिम नहीं डाल रखी है, इसलिए अभी लिखा आ रहा है फिर से इंसर्ट सिम। तो अब मेन मेन्यू में चले जाते हैं। मेन मेन्यू में जाने के बाद कैमरा का देख सकते हैं, कैमरा हम यूज कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो हम कैमरा यूज कर पा रहे हैं। आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, कैमरा इस साइड है। इस हम अच्छे से नहीं क्लिक कर सकते, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लिक करने के लिए फोटो। तो हम इसको अभी बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम दूसरा दिखा देते हैं। हमें इमेजेस मिल जाती है, यानी कि गैलरी मिल जाता है, साउंड रिकॉर्डर मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, कैलेंडर इसमें मिल जाता है, और फाइल माई फाइल्स मिल जाता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है। ये ऐसी नहीं है, ये सब हम यूज कर सकते हो। और क्लॉक मिल जाता है, अलार्म मिल जाता है, पेडोमीटर इसमें मिल जाता है, रिमाइंडर इसमें मिल जाता है, स्लीप मॉनिटर इसमें मिल जाता है, सेटिंग्स है इसमें। आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, कॉल सेटिंग जो नॉर्मली सब फोन में होता है वो सारी सेटिंग्स इसमें है। और ये प्रोफाइल्स की मिल जाती है, सेम टू सेम मोबाइल की तरह है। फेसबुक आप इसमें चला सकते हो, सिम इंसर्ट करनी पड़ेगी। ट्विटर चला सकते हो, सिम इंसर्ट करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप इसमें आप चला सकते हो, प्रॉपर व्हाट्सएप आप चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो। इसमें ब्राउजर में मिल जाता है, क्यूआर कोड मिल जाता है, कितनी अच्छे अच्छे फीचर्स में मिल जाती है। इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है, इसमें सारी चीज आपको अच्छी मिल जाती है। स्टेप क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, सिम इंसर्ट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, बहुत सारे फीचर इसमें आपको मिल जाता है। स्पेशली मैं आपके लिए वॉच चलाया हूँ।